नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की टीजीटी की परीक्षा यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी शिक्षक बहाली की परीक्षा में सेंधमारी का जो दायरा वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। 14 फरवरी को परीक्षा हुई थी, उस वक्त ये खबरें सामने आई कि पटना के 8 सेंटर समेत भोजपुर, गया और कई जिलों में जो परीक्षा हो रही थी वहां पर परीक्षा में सेंधमारी की गई। यानी बिहार में जो ये टीजीटी की जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से परीक्षा ली जा रही थी उसमें सेंधमारी की गई। यानी परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक की बात सामने आती है कुछ उसी अंदाज में ऑनलाइन पेपर लीक हो गया, ये कह सकते हैं। ऑनलाइन पेपर लीक का ये जो मामला है सामने आया, पटना के सेंटर्स में परीक्षार्थी परीक्षा बैठकर दे रहे हैं और उधर उसे रिमोट से कोई संचालित कर रहा है। ये गंभीर मामला सामने आया। केंद्रीय विद्यालय संगठन 13,000 से ज्यादा शिक्षक के पदों पर बहाली कर रहा है और परीक्षाएं लगातार चल रही हैं। टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की बहाली की जा रही है, प्रतिष्ठित परीक्षा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है केंद्र सरकार की तरफ से संचालित है और ऐसे में इस बड़ी परीक्षा में जो पूरे देश में कई जगहों पर आयोजित की जा रही है उसमें पटना में ही फर्जीवाड़ा का मामला सामने नहीं आया बल्कि इसका दायरा बढ़ते बढ़ते पानीपत तक पहुंच गया और अब अंबाला से भी ये मामला सामने आया है। जी हाँ, यानी ये जो मामला है बढ़कर पंजाब, हरियाणा तक जा चुका है और सारी सेटिंग गेटिंग वहीं से की गई थी। हमने कल आपको बताया था कि पानीपत में एक जो महिला सिपाही है उसका पति इसका मास्टरमाइंड था। पानीपत से पुलिस ने पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उसके बाद जो मास्टरमाइंड है जो महिला सिपाही का पति था उसे भी गिरफ्तार किया गया। यानी कुल 6 गिरफ्तारियां कर ली गई इस मामले में। उसके बाद अब अंबाला से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी दायरा काफी बड़ा है, गिरोह काफी बड़ा है। शिक्षक बनवाने के नाम पर जो फर्जीवाड़ा का जो खेल हो रहा था वो काफी बड़ा है। यानी इसका जो दायरा पटना में भी, हरियाणा से और जो अमृतसर और पंजाब में बैठकर जो ये सेटर थे वो खेल कर रहे थे। जो बातें सामने आई कि एक ढाबे से बैठकर ये परीक्षा दी जा रही थी और जो लोग ऑनलाइन जुड़ गए थे रिमोट सेंसिंग के जरिए, जो कहा जाए कि अगर उसे अपने जो उस पर ले लिया गया था अपने सिस्टम पर और परीक्षा वहां बैठकर वो जो सेटर थे जो परीक्षा पास कराने के नाम पर शिक्षक बनवाने के नाम पर लाखों का वारा न्यारा कर रहे थे, लाखों का सौदा हुआ था और उस पर वो वहां परीक्षा दे रहे थे। तो पानीपत में जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की टीजीटी प्रश्न पत्र लीक के मामले में पुलिस ने अब अंबाला से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 6 पहले की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है जैसा कि हमने बताया और अंबाला में भी परीक्षा माफिया अभ्यर्थियों के कंप्यूटर को रिमोट पर लेकर फर्जीवाड़ा कर रहे थे। यानी जो हम बता रहे हैं कि पटना टू पानीपत और अमृतसर वाया अंबाला, ये जो अब दायरा बढ़ता चला जा रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रतिष्ठित परीक्षा जो शिक्षक बहाली की परीक्षा उसमें, यानी कुल अंबाला से भी 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पानीपत से पहले 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि अंबाला पुलिस ने नसीरपुर स्थित सार्थिक प्राइवेट आईटीआई में किराया पर चल रहे परीक्षा सेंटर से केंद्रीय विद्यालय पीजीटी जो भर्ती परीक्षा की पात्रता परीक्षा का पेपर ऑनलाइन सॉल्व करने के मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यानी जो पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा है इसमें फर्जीवाड़ा का खेल लगातार किया जा रहा था। अब जो बातें सामने आ रही हैं कि कैसे जो ये आरोपी है, जो पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें बताया है आरोपी अपने मोबाइल से लिंक भेजकर अन्य स्थानों पर बैठे साल्वरों से पेपर सॉल्व करवा रहे थे जिनके फोन मौके पर ही बरामद कर लिए गए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया पेपर को एमी यानी AMMYY जो एडमिन सॉफ्टवेयर के नाम से रिमोट सर्वर के द्वारा सॉल्व किया गया। यानी उससे सर्वर के द्वारा जो ये एडमिन सॉफ्टवेयर है इससे जोड़ दिया गया और इससे जो कई जो परीक्षार्थी
जिन्होंने सेटिंग गेटिंग की थी, पैसे दिए थे इन सॉल्वर गिरोह को, वो जुड़ गए और रिमोट के जरिए जो सॉल्वर गिरोह है यानी जो परीक्षा पास कराने वाला गिरोह है उसके सदस्य परीक्षा का पेपर देने लगे। यानी पेपर लीक वाला ही मामला है बड़े पैमाने पर। आप समझ सकते हैं पटना टू पानीपत और अमृतसर टू अंबाला सभी जगह ये पकड़े गए हैं। सेटिंग गेटिंग का बड़ा खेल का खुलासा हुआ है और शिक्षक बहाली में सेंधमारी हुई है। 13,000 से ज्यादा पदों पर बहाली हो रही है आपको बता दें। तो इसमें जो बताया ये जा रहा है कि आरोपियों ने मोटी रकम ली थी, जिन लोगों का पेपर सॉल्व होता था उससे इस संबंध में पहले ही संपर्क कर लिया जाता था। सब इंस्पेक्टर जो है उनके मुताबिक अगर बताएं तो सूचना मिली थी कि नसीरपुर स्थित सार्थिक आईटीआई स्थित सेंटर पर केंद्रीय विद्यालय की पीजीटी की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही थी। इसमें हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों के आवेदक भी पहुंचे थे। तो इसमें ये जो खेल हो रहा था पुलिस पहुंच गई, यानी परीक्षा में पहले ये बातें सामने आई लेकिन बाद की जो परीक्षाएं अभी चल रही थी उसमें भी ये खेल जारी था लेकिन पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। अब ये खेल कहां तक खेला जा रहा है, ये जो सॉल्वर गिरोह है यानी परीक्षा पास कराने के नाम पर शिक्षक बनवाने के नाम पर लाखों की वसूली कर रहे हैं, कितना बड़ा इनका गैंग है ये तो अभी आगे और भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी तक 11 और 6 कुल 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस मामले में, और अब आगे क्या कुछ होगा इसके लिए आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।